हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम ऑन जेसी ब्लॉग। तो आज हम करने वाले हैं टंग ट्विस्टर के चैलेंज, जिसके अंदर ये चार बशिंगे हैं हमारे पास। एक इनको चिट दी जाएगी जिसके ऊपर एक टंग ट्विस्टर लिखा होगा। इन्होंने कुछ बोलना है, जिन्होंने जिस लड़के ने मैक्सिमम टाइम के अंदर वो बोला, हो सकता है वो सेफ हो सकता है उसे अगला उसे अच्छा बोल दे, ज़्यादा टाइम में बोल दे, और जिसका हिसाब से कम टाइम में होगा उसको हम एक डेयर देंगे, और वो डेयर इन्होंने करना ही होगा चाहे वो जैसा भी हो। तो चलो जल्दी से करते हैं। तो सबसे पहले कौन शुरू करेगा? ठीक है, गुलजेब गुलजेब करेगा। ठीक है, तो लो गुलजेब, ये पकड़ो। हाउ कैन अ क्लैम क्रैम इन अ क्लीन क्रीम कैन? ठीक है, क्लीन क्रीम कैन कैन, याद नहीं करना करो सर। अच्छा, ये कितनी दफा बोल रहा है? मैक्सिमम टाइम में आपने बोलना है। स्टार्ट। How can I clam cram in a clean cream can? How can I clam cram in a clean cream can? How can I clam cram in a clean cream clam? गलत हो गया यार, गलत हो गया, गलत हो गया। इसके हैं 15 सेकंड में 15 सेकंड इसके आप पकड़ो। ठीक है, एक दफा स्टार्ट। How can I clam cram in a clean cream can? How can I clam cram in a clean cream can? How can I clam cram in a clean cream can? How can I? गलत हो गया। मैंने यार हाउ ही बोला मेरे मुंह। 11 सेकंड इसके। 11 सेकंड। आप सेफ हो। सेफ हो। आप सेफ हो। मुझे सिर्फ 15 सेकंड बोलना है। बस याद नहीं करना। हाँ, एक दफा नहीं हुआ। How can a clam cram in a clean cream can? How can a clam cram in a clean cream can? How can a clam cram in a clean cream can? How can a clam cram in a clean cream can? How can a clam cram in a clean cream can? How can a clam cram in a clean cream can? How can a clam cram in a clean cream can? How can a clam cram in a clean cream can? How can a clam cram in a clean cream can? How can I clam cram in a clean cream? मैं शोखा हो रहा था। हाँ, उसका वो सेट है 29 सेकंड उसका। हाँ, पढ़ लो एक दफा पढ़ लो। ठीक है। How can I clam cram in a clean cream cram? चलो ठीक है। तो सबसे कम टाइम लिया है अयान ने, तो आप डेर इसको मिलेगा, जो भी डेर होगा वो इसको करना ही पड़ेगा। लो अयान, अपना डेर करो। सरप्राइज दे रहे लो यार, वो ये सरप्राइज दे इन पे आता ना, वो इस पे आता था मजा आ रहा। उठो, चलो जी सरप्राइज दे की तैयारी की जाए। जाओ मुझे बाल लूं। कोई नहीं किया आपने, कुछ नहीं किया। ठीक है, आपको फिर आंखें बंद करो, खुद ही करो अच्छे तरीके से। आप जाओ मैं ओया हार्पिक साइड पे बेचेंगे फरनेल। ओए उसमें कुछ था यार। तो अब हम चलते हैं अपने सेकंड राउंड की तरफ। तो इसमें देखते हैं कि कौन सा खिलाड़ी इसमें फंसता है और क्या होता है। चलो जी गुलजेब करो स्टार्ट, ये पकड़ो। क्या इस बार नहीं कर रहे हैं? क्या क्या लिखा हुआ है? फैट फैट टैट ब्रेड एंड टैट फैट ब्रेड ब्रेड। भाई जैसे भी आपने पढ़ना है, ठीक है, एक तो पढ़ दो। फ्रेड इन फ्रेड फैट टैट ब्रेड एंड टैट फैट फ्रेड ब्रेड। वो पढ़ लिया तो आप भी पढ़ सकते हो यार, ये भी मैं
यार मुश्किल नहीं है वो अल्फाज बार बार रिपीट हो रहे हैं एंड द ब्रेड है ना हाँ ब्रेड 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 ठीक है स्टार्ट स्टार्ट करो आपका टाइम स्टार्ट हो गया ब्रेड फेड टेड ब्रेड एंड टेड फेड ब्रेड 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 फेड टेड ब्रेड एंड टेड फेड ब्रेड ब्रेड फेड ठीक है उसने फेड पार दिया ब्रेड 12 सेकंड हो गए उसके 12 सेकंड हां यार यार कौन सा बुरा पढ़ा यार नहीं पढ़ा यार डी नहीं पढ़ा दोस्त को कौन सा यार हां जो भी यार तुझे तक ध्यान की थी यार ये बाबूराव का स्टाइल है नहीं नहीं सच्ची नहीं ओ यार जान दे ये तो ना पढ़ने वाली बातें हो गई चलो चलो जी स्टार्ट Fred fed Ted bread and Ted fed Fred bread. Fred fed Ted bread and Ted fed Fred bread. Fred fed Ted bread and Ted fed Fred bread. Fred fed Ted bread and Ted fed. ठीक है आपने टी शर्ट पहन दिया 15 सेकंड हाँ यार ये थोड़ा डिफिकल्ट है ये मुश्किल था एक मिनट चलो उसके पांच है हाँ जरी सी बात है लेना क्या बात पकड़ो इसको तो अपनी चिट्ठी उठाओ अपना डेर यस मेक आउट विद द पिलो ये यही मैं देख रहा ये तो मैं देख रहा अब मैंने समझाओ तो सही कहा कि ये क्या हो गया करो और मैं आपको अपनी बाहों में सुलाऊं कोई भी नहीं जा रहे हो टाइम बस द नाइट्स यंग इट इज जस्ट बिगन शी पुट्स अ हैंड अल्लाह भी कर रहा है आप भी कर रहे हो ओह माय गॉड यार ये बेबी कॉल भी आया हुआ है हां Oh my god! Never sleep, never stop. Never shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. तो अब थर्ड राउंड स्टार्ट करते हैं उसमें देखते हैं कि कौन सा बशिंदा हमारे हाथ लगता है कौन सा रोमांस करता है पकड़ो यार मैं नहीं कर रहा वो इधर होना था मैं आप करो यस किटन है हाँ जी बिल्ली का बच्चा चिकन घूम रहे सारी चलो ठीक है आसान है मुश्किल नहीं है यार ठीक है टाइम स्टार्ट करो स्टार्ट I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a kitten eating chicken in the kitchen.
बोले तो मैंने बोले नहीं वैसे बोले अपने गलत वैसे थथले हां पकड़ो आप पकड़ो नहीं नहीं आप पकड़ो आप पकड़ो 20 सेकंड ठीक है स्टार्ट I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a kitten eating chicken. यार आप लोग मुझे कर देते हो कितना 39 सेकंड है ठीक है पढ़ लिया ठीक है ठीक है पढ़ लें ऐसा चिकन इन किचन चिकन इन दी किचन स्टार्ट ऐसा आ किटन ईटिंग I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a अच्छा हर मतलब के आम पीट के अंदर आपने तकरीबन 5 सेकंड रुकना है यहाँ पे स्मेल नहीं ना आ रही यहाँ पे स्मेल नहीं आ रही इसलिए पांच मिनट मैंने सबसे पहले से रखा है यार आप एंड पे सांस बंद की हुई है सांस बंद की हुई भी है सांस बंद है भाई इसकी सांस बंद है भाई मुझे पता लग रहा है सांस बंद है फिजिक का सांस भी बंद करनी नहीं होस्ट का नहीं होगा इनका ही है आपस बात रह गए चलो खड़ो ठीक है तो आज हमने किया टंग ट्विस्टर डेट चैलेंज जिसके अंदर कुछ फनी हुआ कुछ सीरियस हुआ कुछ लोग रोए कुछ लोग ऐसे भाई मानी कार्यक्रम हो गया
लेकिन जो भी हुआ होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, यूं ही देखते रहें। अरे भाई चुप कर, मैंने बोल लिया जो मैं लगे बस करा। तो देखते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आते रहें, चलते रहें।